मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट। देश भर के इन राज्यों में होगी बारिश और बर्फबारी। एक सक्रिय मजबूत पश्चिमी क्षोभ के 29 फरवरी से पश्चिमी मालिक क्षेत्र 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों को प्रभावित करने की संभावना है, जिसकी सबसे ज्यादा तीव्रता 1 और 2 मार्च को हो सकती है। 29 फरवरी शाम से ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश बर्फबारी की संभावना है और 2 मार्च को भी अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश बर्फबारी की संभावना। उत्तराखंड में भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 1 और 2 मार्च को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में भी हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। 1 और 2 मार्च को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना। 1 मार्च को राजस्थान में, जबकि 2 मार्च को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान राज्य के भी इन जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट, बिजली चमकेगी व तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के जिलों में तेज बारिश और कुछ जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, अलवर, जैसलमेर, चूरू, सवाईमाधोपुर, सीकर, भरतपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश होगी। इसके साथ ही ओलावृष्टि हो सकती है। झुंझुनू, श्रीगंगानगर, चूरू सहित कुछ जिलों में ओलावृष्टि के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश समेत देश भर के कई राज्यों में आसाम में रात्रि के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों और उत्तरी महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। यहां पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम से जुड़ी यह जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।